प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरफ महान धार्मिक मंदिरों को बनवाया तो दूसरी तरफ लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर को भी, यानी हमारे संसद को भी। नया संसद भवन इतना बड़ा और भव्य है कि परिसीमन के बाद भी सांसदों की संख्या बढ़ेगी तो भी ये छोटा नहीं पड़ेगा। आजादी के अमृतकाल में देश को नया संसद भवन मिला। श्री महागणपतये नमः मनोरथान् प्रार्थयामि। श्री काशी विश्वेश्वराय नमः आरोग्यं पद्मबन्धुर् वितरतु नितरां संपदं श्रीधरश्मिः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन किया। इस अमृतकाल का आह्वान है मुक्त मातृभूमि को नवीन पान चाहिए, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए। मुक्त गीत हो रहा नवीन राग चाहिए, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए। और इसलिए भारत के भविष्य को उज्जवल बनाने वाली इस कार्यस्थली को भी उतना ही नवीन होना चाहिए। नए संसद भवन में परंपरा के पदचिन्ह मिलते हैं। यहां लोकसभा राष्ट्रीय पक्षी मयूर की छाप लेकर बनी है तो राज्यसभा राष्ट्रीय फूल कमल पर। कभी चोल राजवंश का राजदंड रहा शेंगोल, लोकसभा में स्पीकर के आसन के पीछे दाहिनी तरफ स्थापित किया गया है। राजा जी और आदिनम के संतों के मार्गदर्शन में यही शेंगोल सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक बना था। ये हमारा सौभाग्य है कि इस पवित्र सेंगोल को हम उसकी गरिमा लौटा सके हैं, उसकी मान मर्यादा लौटा सके हैं। नया संसद भवन जरूरी था क्योंकि सीटों की हदबंदी के बाद लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों की संख्या बढ़ जाएगी। पुराने और नए संसद भवन को एक साथ देखें तो नई संसद में लोकसभा की क्षमता 888 की है जबकि पुरानी में 552 की। नई संसद में राज्यसभा की क्षमता 384 की है जबकि पुरानी में 250 की। नई संसद को बनाने में करीब 862 करोड़ रुपए की लागत आई जबकि पुरानी संसद बनाने में 83 लाख रुपए की। नई संसद भूकंपीय क्षेत्र 4 के भूकंप को भी झेलने की क्षमता रखती है जबकि पुरानी संसद तब बनी थी जब दिल्ली भूकंपीय क्षेत्र 2 में आती थी। ये तो सबकी मांग थी, ये कोई किसी एक पक्ष की नहीं थी। सभी अनुभव कर रहे थे कि पुरानी संसद में थोड़ी सी कई सारी कठिनाइयां तो आ ही रही थी। नरेंद्र मोदी जिस दौर में आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं उस वक्त नया संसद भवन उसी आत्मनिर्भर भारत का एक ज्वलंत प्रतीक है। 64,500 वर्ग मीटर एरिया में फैला नया संसद भवन
पुराने संसद भवन से 17,000 वर्ग मीटर बड़ा है। त्रिभुजाकार और चार मंजिला इस आधुनिक भारत में लोकतंत्र के नए मंदिर की खूबसूरती देखते ही बनती है। जिस पर परंपराओं की छाप है तो आधुनिकता की झलक भी। मॉडर्न ऑडियो वीडियो सिस्टम से लैस सांसदों के लिए टेबल पर टैबलेट इसकी मिसाल है।